दोस्तों आ जाना अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्त, और मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा एक टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ दोस्त कि मतलब क्या ही बताऊँ उसको आपको। अब सिर्फ ये वीडियो आप देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट्सअप वाकई में चलाना कितना ही मज़ेदार है और कितना ही आसान है, और मतलब एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इससे रिलेटेड हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अपने व्हाट्सएप को सिंपली ओपन कर लेना है। तो चलिए मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है दोस्त। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, मान लीजिए हम लोग फोटो, जैसे मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो अच्छा नहीं आता है, फिर भी हमको कहीं भेजना रहता है तो फ़ोटो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम भेजते हैं तो क्या होता है कि फ़ोटो सही नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करना है आपको, सिंपली मैंने अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है, मेरा ही सिंह जी का व्हाट्सएप है। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि देखिए, यहाँ से एक फ़ोटो मैं भेजूँगा, मैंने मोबाइल से खींच के रखा, देखिए बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों ये, अपना यूज करके देखो गजब का। गैलरी ओपन करूँगा तो चलिए मैं अपना एक फ़ोटो लेता हूँ। देखिए मैं ये वाला फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्त, कि ये मेरा फ़ोटो है। अभी मान लीजिए मैंने मोबाइल से खींचा, कुछ ब्लॉर सा दिखाई दे रहा है सिंपली, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको दोस्तों, कि सिंपली आपको यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर HD लिखा हुआ है पोस्ट में, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके देखिएगा फ़ोटो का डिज़ाइन एंड फ़ोटो कैसे क्वालिटी में हो जाएगा। ये एक अच्छा नया ट्रिक है दोस्तों। ये देखिए HD में जैसे इसको क्लिक करेंगे हम, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड HD क्वालिटी। दोस्तों हमको स्टैंडर्ड क्वालिटी तो ऑलरेडी है, हमको क्या चाहिए कि HD क्वालिटी चाहिए दोस्तों। तो सिंपली क्या करना है आपको, HD वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए फ़ोटो एकदम HD में हो जाएगा। जैसा भी आप मोबाइल से फ़ोटो खींचो दोस्तों, तो HD अपने व्हाट्सअप में भेजने से पहले बना सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आप देख सकते हैं उसको टिक हो गया HD का, यानी कि फुल लेव मेरा जो फ़ोटो है HD में हो गया। ये ब्लोर नहीं होगा, फटेगा नहीं अगर आप जूमिंग करते हैं दोस्तों। ये मस्त फीचर है, तो इसको हम आप कहीं भी अपने दोस्त के पास भेजना चाहते हैं, किसी भी मोबाइल से फ़ोटो खींचो तो दोस्तों अपने व्हाट्सअप में इसको HD बना के भेज सकते हैं। और दूसरी बात ये भी बता दूँ आपको कि दोस्त, मान लीजिए फ़ोटो भेजना है मेरे दोस्त के ही पास, ठीक है। तो क्या करना है कि मतलब ऐसा फ़ोटो है कि ना इसका स्क्रीनशॉट हो सकता है, ठीक है, ना इसका स्क्रीनशॉट होगा, ना इसका कोई इसको सेव कर सकता है इस फ़ोटो को, ठीक है ना, और ना इसको दोबारा देख सकता है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एड ए कैप्शन, ठीक है, मतलब कुछ है यहाँ आप लिख सकते हैं, तो आपको लिखना नहीं है, सिंपली उसके सामने देखिए एक लिखा हुआ है पोस्ट में, हाफ पोस्ट बनाया हुआ है दोस्तों। तो सिंपली उसके ऊपर आप जैसे क्लिक कर देंगे दोस्त, ये पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा वाइट हो गया, फोटो सेट द व्यू ओनली। अब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने इसको हमको सेंड करना है, मैंने देखिए ये सेंड कर दिया, ठीक है। देखिए मेरे दूसरे व्हाट्सएप पर आ गया फ़ोटो, चलिए मैं फ़ोटो को दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं फ़ोटो को दिखा देता हूँ, तो आपको मैं दूसरा व्हाट्सअप अपना ओपन करता हूँ जहाँ पे वो फ़ोटो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इस पर मैं वो क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ये यहाँ फ़ोटो आ गया है, ठीक है ना, चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए वो फ़ोटो दिख नहीं रहा है कहाँ पर है, यानी कि नीचे ये दिख रहा है आपको सामने फ़ोटो, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे मेरे दोस्त, ये देखिए जैसे क्लिक करेंगे फ़ोटो आ गया, तो ना मैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट जब मैं ले रहा हूँ तो देखिए क्या लिख रहा है, देखिए देखेंगे स्क्रीनशॉट वाला, देखिए मैं बैक जाता हूँ, बैक आया, अब ये क्या लिख रहा है ओपनेड। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये ना फोटो है ना कुछ है, कुछ नहीं है, देखिए आपके सामने इसको ओपन कर रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा, यानी कि इसका कहानी ख़त्म। ये एक ट्रिक है कि एक बार अगर किसी के पास अपना फ़ोटो दिखाना भी चाहते हैं दोस्तों, ऐसा करके अगर आप भेज देते हैं तो सिर्फ एक ही बार वो बंदा देखेगा और स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता है। तो ये एकदम गजब का मतलब दिमाग घुमा देने वाला फीचर है दोस्त, इसको बराबर आप यूज करो, अच्छा फीचर है। चलिए फिर से मैं अपना व्हाट्सअप ओपन करता हूँ। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, कि सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आने बस सीधा सिंपली नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से मिल जाता है क्या, स्टोरेज एंड डाटा। अगर किसी के पास आपने कभी फ़ोटो भेजा है, आपको याद नहीं है, डिलीट हो गया है, कुछ भी हो गया, एनीवे अगर आपके मोबाइल में आप व्हाट्सएप यूज किए हैं, कभी उस पर भेजे हैं दोस्तों, ये सब आपका यहाँ स्टोरेज रहता है। तो यहाँ से जाके आप नाम से यहाँ से सर्च करके, जिसका भी आप चाहेंगे तो सर्च करके यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
उसका फोटो आईडी कुछ भी वहाँ से लेके बना सकते हैं, यहाँ चैट ऐड कर सकते हैं, चैनल अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो चैनल व्हाट्सएप का क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मुझे करना नहीं है, मैंने करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, तीन सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीडिया अपलोड क्वालिटी, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड फास्टर टू सेंड स्मॉलर फाइल साइज, और यहाँ लिखा हुआ HD क्वालिटी एंड द स्लोअर टू द सेंड कैन बी 6 times लार्जर। तो दोस्तों इसमें से आप जो चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी तो चलिए ठीक है स्टैंडर्ड, अगर आपको हर चीज़ HD में चाहिए तो दोस्तों HD पे क्लिक करना है आपको। मुझे स्टैंडर्ड चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड पे रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है आपको, मीडिया ऑटो डाउनलोड। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ, देखिए व्हेन यूजिंग द मोबाइल डाटा, अगर मोबाइल डाटा से आप यूज कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आता है आपके व्हाट्सअप में, तो क्या सेव करना आप चाहते हैं कि मतलब आए तो सेव हो जाए ऑलरेडी, मतलब कुछ आपको सेव करना ना पड़े, वो ऑलरेडी सेव हो जाए आपके व्हाट्सअप में और इन गैलरी में। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फ़ोटो पे क्लिक कर दिया है कि मैंने अगर फ़ोटो आएगा तो वो सेव हो जाएगा। ऑडियो वीडियो एंड डॉक्यूमेंट, ये मैंने उस पर क्लिक नहीं किया है, तो क्या होगा कि मेरा सिर्फ फ़ोटो ही सेव हो सकता है अपने व्हाट्सअप में, ये तीनों आएंगे तो दोस्तों नहीं हो सकता है, सेव नहीं होगा, मुझे सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आप चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, चलिए दूसरा मैं दिखाता हूँ, वाईफाई से क्या आपको करना है। तो हाँ मैं क्या किया हूँ, देखिए व्हेन द कनेक्टेड ऑन वाईफाई, तो दोस्तों मैं मुझे क्या करना है, वाईफाई क्या है कि सब लोग थोड़ा चाहता है कि ना फ्री, अब मतलब जो भी है थोड़ा फ्री मिल जाता तो अच्छा है, मज़ा है। तो मैं इसमें तीनों चारों सेलेक्ट करके रखा हूँ, फोटो ऑडियो वीडियो एंड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर मैं वाईफाई के एरिया में रहता हूँ, वाईफाई यूज करता हूँ दोस्त, तो क्या करना है, क्या होगा कि कोई भी फ़ोटो वीडियो ऑडियो कोई भी भेजेगा तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा मेरे मोबाइल में। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, मेरे गैलरी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये दो ट्रिक हो गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसमें का दूसरा हो गया, ये लास्ट वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोमिंग में, अगर आप रोमिंग में हैं, आपका मोबाइल रोमिंग में, अभी ऐसे तो रोमिंग ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी है जो गल्फ में बाहर में विदेश में यूरोप में रहते हैं दोस्त, उनके लिए रोमिंग बहुत मायने रखता है। तो अगर वो रोमिंग में अपना यूज सिम कर रहे हैं इंडिया का, तो उनके लिए क्या है, बहुत जो डाटा का कॉस्ट होता है बहुत मतलब पैसा ज़्यादा लगता है उसमें। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि उसमें से वो चाहते हैं कि क्या हमको मतलब चाहिए, हमको फ़ोटो चाहिए डॉक्यूमेंट चाहिए, जो उनको इजी लगता है कि वही हम सेव कर सकते हैं अपने डाटा से, वो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जैसे भी कुछ भी जो भी आप वो चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं फ़ोटो रहता हूँ, ऑडियो हटाता हूँ, रोमिंग में बाय द वे कोई जाता है तो। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दोस्तों, तो प्रॉक्सी आ गया, प्रॉक्सी आप चाहे तो अपना बना सकते हैं, इज लेस डाटा एंड कॉल्स, तो दोस्तों इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसमें से आपका जो डाटा कॉल्स के लिए जो मतलब थोड़ा कम जो है कि आपका डाटा जो लगेगा और अगर नेटवर्क में रहते हैं तो इस पर आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो वाईफाई है तो कोई बात नहीं, इसको आप ऑफ करके रख सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेटवर्क यूजेस, ठीक है, ये नेटवर्क में कितना कितना आप जो यूज करते हो आपको सिंपली दिखा दिया, रिसेट इन द चीकर नेवर। ओके, अब आपको मैं लास्ट एंड फर्स्ट बता रहा हूँ दोस्त कि इसमें का मेन सेटिंग जो है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए बिजनेस टूल न्यू ग्रुप एंड न्यू ब्रोकरेज कम्युनिकेशन लेवल एंड लाइक लिंकेड डिवाइस, दोस्त मत बता दूं आपको कि अगर लिंकेड डिवाइस का मतलब ये होता है कि वन ऑफ द फोर डिवाइस लिंकेड, दोस्त आप चाहें तो चार फोन में अपना ये व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं अलग अलग, सिर्फ एक ही नंबर से चार फोन में आप अपना ये व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप, आपको दिखाई दे रहा है कि वन ऑफ द फोर डिवाइस इज लिंकेड, यानी कि एक से आप चार व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त फीचर है, इसके लिए आपको पहले अपना व्हाट्सअप अपडेट कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी देख लीजिए गेट मेटा वेरीफाइड टू लिंक मोर डिवाइस, ठीक है, मेटा वाला का ही सब सिस्टम है, एक से एक अपडेट करते जा रहा है, मैंने अपडेट कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा तभी जाके आपको ये पूरा फीचर्स एंड टिप्स ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ उस फीचर में आपको काम आएगा दोस्त। ठीक है, तो ये करके आपसे एक से चार मोबाइल में एक ही व्हाट्सअप चला रहा हूँ मैं, फिलहाल दो में चला रहा हूँ, आप चाहें तो चार में भी यूज कर सकते हैं, ज़बरदस्त के फीचर है दोस्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बड़ा वीडियो ना हो जाए इसके लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो कल या परसों डाल दूंगा, कोई बात नहीं, छोटा छोटा बना के डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए और वीडियो भी अच्छा लगे, देखने में भी बड़ा ही बना दूंगा तो फिर कहे ना कि कोई देखेगा कि नहीं, बड़ा वीडियो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।